गुजरात में अरविंद केजरीवाल ने इस बार आदिवासी समुदाय के लिए बड़े बड़े ऐलान किए। गुजरात की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा, आदिवासी समुदाय के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार ठहराया। केजरीवाल के बयान पर गुजरात बीजेपी ने भी करारा जवाब देते हुए पलटवार किया। जिन लोगों की मौत हुई, गुजरात में अरविंद केजरीवाल को सुनने के लिए खासी भीड़ उमड़ रही है। गुजरात के बोडेली में भी उनकी सभा खचाखच भरी थी। जिस तरह से गुजरात में केजरीवाल अपने वादों के पिटारों से एक के बाद एक बड़े वादे गुजरात की जनता के लिए कर रहे हैं, उसे सुनने के लिए बोडेली में भी कान लगाए लोग बैठे थे। इस बार केजरीवाल ने गुजरात के आदिवासी समुदाय के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। आदिवासी समाज के लिए हमारे संविधान के अंदर अलग व्यवस्था की गई है। अलग व्यवस्था क्यों की गई है? आदि समावासी समाज का संस्कृति अलग है, बहुत गरीब है, इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने, संविधान के निर्माताओं ने आदिवासी समाज के लिए फिफ्थ शेड्यूल बनाया, पांचवां शेड्यूल बनाया, लेकिन किसी ने लागू नहीं किया। आम आदमी पार्टी को वोट दो, पहली बार गुजरात के अंदर फिफ्थ शेड्यूल लागू करके दिखाएंगे आपको। अब ग्राम सभा सुप्रीम करके दिखाएंगे, गुजरात के अंदर ग्राम सभा सुप्रीम होगी, जो ग्राम सभा कहेगी वही होगा। पेसा एक्ट को लागू करके दिखाएंगे, पेसा एक्ट को गुजरात के अंदर पहली बार लागू करके दिखाएंगे। आदिवासी लोगों के विकास के लिए क्या काम करना चाहिए, आदिवासी समाज के क्या मुद्दे हैं, उनका निस्तारण कैसे करना चाहिए, तो ये तो ट्राइबल वाले ही बताएंगे ना, आदिवासी समाज ही तो बताएगा उनकी क्या समस्या है। उसके चेयरमैन के रूप में मुख्यमंत्री बैठ जाते हैं, मुख्यमंत्री को क्या पता आदिवासी समाज की क्या समस्या है। ये बंद करेंगे, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन होगा आदिवासी समाज से कोई व्यक्ति को, ट्राइबल, ऐसे व्यक्ति को बताएंगे जो समाज के बारे में जानता है। आदिवासी समाज के व्यक्ति को बनाएंगे, ऐसे व्यक्ति को जो कि समाज जिसकी इज्जत करता है और समाज जिसको, जो समस्याओं को जानता है। केजरीवाल ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में संविधान की पांचवी अनुसूची और पंचायत उपबंध अधिनियम को लागू किया जाएगा। केजरीवाल ने ये भी गारंटी दी कि गुजरात की आदिवासी सलाहकार समिति का नेतृत्व मुख्यमंत्री के बजाय आदिवासी समुदाय का ही एक व्यक्ति करेगा। उन्होंने प्रत्येक आदिवासी गांव में एक अच्छा स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक खोलने का भी वादा किया। आदिवासियों के मुफ्त इलाज के लिए क्षेत्र में एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल भी खोलने का वादा किया। जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया सरल की जाएगी। जिनके पास अपने घर नहीं है उनके लिए सरकार घर बनाएगी और सभी आदिवासी गाँव को सड़क से भी जोड़ा जाएगा। केजरीवाल ने जहरीले शराब कांड भी लोगों को याद दिलाई। उन्होंने कहा कि मैं गारंटी देता हूं कि आपके बच्चे का भविष्य बनाएंगे, लेकिन बीजेपी चुनाव में जीती तो जहरीली शराब ही आपको देगी। मुझे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि जिन लोगों की मौत हुई, जहरीली शराब पीने से जिन लोगों की मौत हुई, गुजरात के मुख्यमंत्री उनके परिवार के लोगों से मिलने के लिए उनके गांव में नहीं गए। हर चीज में वोट नहीं होती, हर चीज में वोट नहीं देखी जाती, इंसानियत भी तो कुछ होती है, होती है कि नहीं होती है। केजरीवाल आक्रामक राजनीति कर रहे हैं तो बीजेपी गुजरात में इस बार मिशन 150 का लक्ष्य लेकर चल रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के लगातार दौरे कर रहे हैं और चुनावी तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। आपकी चुनौती को बीजेपी कतई गंभीर नहीं मानती। बीजेपी को संगठन और लंबे सत्ता अनुभव का भरोसा है तो केजरीवाल जनता के लिए लोक लुभावने वादे करने में आगे हैं। इससे पहले गुजरात की जनता के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली और बेरोजगारी के लिए 3000 रुपए प्रति महीना बेरोजगारी भत्ता देने का बड़ा वादा भी कर चुके हैं। वडोदरा से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो।